దేశం సత్తాకి లేదు కంటి చేయలేదు అది ఏ బోలిది లావా బన్ రా హై లావా ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा ये लावा एक दिन फटेगा अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा शक्ल इसमें हमारा हाथ नहीं है इसमें हमारा हाथ नहीं है कश्मीरियों का हाथ नहीं है। भारत सरकार 370 ले गई 35 ए भी ले गई और एक लावा जो है वो धीरे धीरे पनप रहा है और ऐसा ना समझा जाए कि यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल है। एक लावा है जो धीरे धीरे ज्वालामुखी बन रहा है और ये ज्वालामुखी आने वाले समय में फटेगी और फटेगी तो फिर कितनी तबाही होगी इसका शायद ही हम कल्पना कर सकते हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ये शब्द हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसके ऊपर हमने तब भी आपको कहा था कि ये बयान सुने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि हमने ये जो कश्मीर के अंदर सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को हम नहीं मार रहे, कश्मीरी नहीं मार रहे, हमें बदनाम करने का, कश्मीरियों को बदनाम करने का ये एक षड्यंत्र जा रहा है। तब भी हमने प्रश्न रेज किया था कि इस तरह के शब्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि इन्हें हमें नहीं मारा। तब हमने कहा था कि क्या इससे पहले जो हत्याएं हुई हैं कश्मीर के अंदर, जो खून बहाया गया, क्या उन्होंने बहाया है? लेकिन अब वो ये कहते हैं कि धारा 370 भी ले गई भारत सरकार, 35 ए भी ले गई और वो ये ना समझे कि यहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल हैं, आने वाले समय में ये लावा एक जो है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर पनप रहा है और धीरे धीरे वो इकट्ठा हो रहा है, एक ज्वालामुखी बनेगा, ज्वालामुखी बनेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो फिर ना जाने। लेकिन प्रश्न ये है कि वो संकेत क्या करना चाहते हैं, पूंछ में वो संबोधित कर रहे थे। ये दोनों बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुने कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमसे कोई नहीं पूछता कि हम किधर हैं, हम लटक रहे हैं। तीन सौ सत्तर ले गए, 35 ले गए, आती एक गोली नहीं है, कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से लेकर? लावा बन रहा है लावा, ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा, अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। मैंने अब 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोगों को, कांग्रेस 370 की बात करता है, खराबी को बोलते बीजेपी जिसने उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहां पे अब बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई, बटी हो गई, अब यहां पे वो जो वैकेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में थे जहां मैच के बाद तूफान उठा, हमारा उनसे नहीं है, ये सिर्फ इनको उबल मार देते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सर अभी एनएसए की टॉक्स होने वाली है नेक्स्ट नवंबर में, तो क्या होने वाली है? एनएसए टॉक्स हो रही है, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के साथ बात करने को कह रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अदरवाइज देती है, अभी खुद जो है एनएसए के जो है इनवाइट किया गया है पाकिस्तान को, कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कोई भी रास्ता
दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है। और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम आहंगी हो, कि हम लोग आराम से ज़िंदा रह सकें। सर पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट मैच होना चाहिए क्योंकि अभी हालात ख़राब हो रहे हैं सर। शब्द आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुने। संदेह होता है, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि 370-35 से जाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन वो पूंछ में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कश्मीर के लीडर जो हैं 370-35 से जब से ख़त्म किया गया है तब से ही थोड़े बौखला गए हैं, थोड़े परेशान हो गए हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशाएं ठीक नहीं लगती। एक लावा पनप रहा है, ज्वालामुखी बन रहा है, आग लगा देंगे ना जाने क्या क्या। धारा 370 से पहले महबूबा मुफ्ती जी के भी ये शब्द थे, उन्होंने कहा था कि धारा 370 अगर यहाँ पर हटाई गई तो यहाँ पर हाथ नहीं पूरा शरीर जल जाएगा, इस तरह की बयानबाजी की थी। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, अब ये बयान आपने भी सुना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, इससे पहले भी हमने एक चर्चा की थी कि ये कश्मीर के अंदर बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे जी यहाँ पर जो सिविलियन टारगेट किए जा रहे हैं उनको हम नहीं मार रहे, कश्मीरियों को बदनाम करने की ये साजिश है। अब वो कह रहे हैं को ज्वालामुखी फूटने वाली, ये क्या डायरेक्शन क्या है इनकी, क्या ये इनकी क्या मंशा क्या लग रही है? ये समझना चाहिए कि पुंछ के अंदर जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी पिछले दिनों शहीद हुए थे, उसके बाद जो एक परिस्थितियाँ थी, वहाँ आतंकवादी आए थे, अभी तक भी वहाँ ये सर्च ऑपरेशन वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने एक इशारा जो दिया वो सही दिया। उन्होंने ये बताया कि वहाँ जो लावा है पनप रहा है, वो जो आतंकवाद की जो धीमी धीमी आँच थी ना वहाँ उन क्षेत्र में, तो वहाँ जाकर ये बयान दिया है कि लावा पनप रहा है। अब वो संदेश किसको देना चाहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को दे रहे हैं संदेश या फिर वो उनको दे रहे हैं कि जो लावा भड़काते हैं? तो अगर इस तरह की कोई जानकारी है उनके पास, लावे वाली कोई जानकारी है, तो मुझे लग रहा है हमारे पास क्या केंद्र सरकार के पास काफ़ी ऐसी एजेंसियाँ हैं जो लावे को देख लेती हैं, NIA है उनके पास, या फिर दूसरी जो है अमित शाह जी के पास एक्सपर्ट हैं इसमें अमित शाह जी, तो वो उनसे पूछें इस बारे में कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसियाँ, कौन सा ऐसा लावा है, कहाँ पनप रहा है, कहाँ चिंगारी है। ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार थोड़ा हल्के में ले रही है इन लोगों को, क्योंकि हल्के में लेना तो कहीं नुकसान ना पहुँचाए इन लोगों को? यहाँ पर देखो पिंजरे में डाल देना चाहिए ना ऐसे लोगों को। जो लोग इस तरह के बयानबाजी बड़ी बड़ी बयानबाजी दे रहे हैं, खासकर जम्मू के अंदर, ठीक है घाटी के अंदर उनका एक वोट बैंक हो सकता है, वहाँ के कुछ लोग इस तरह हो सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं, इलेक्शन जीत रही हैं, तो खासकर जम्मू के अंदर पीस है, यहाँ शांति है, यहाँ कुछ इस तरह का होता नहीं है। यहाँ आप आकर बड़ी बड़ी बातें करोगे, लावे हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे लग रहा है जम्मू में ऐसी बात ना करें। जम्मू के लोग देखिए, इससे पहले आपने जैसे बात कर रहे थे 370 को लेकर, जब से ये प्रॉब्लम हुई है तो 370 आम जनता, हजारों जनता शहरों के अंदर है, आप किसी से भी पूछो 370 या 35 ऐसे को लेकर उसको क्या लेना देना है 335 उसे, उसके लिए 370 हो, 372 हो, 74 हो, उसको इन धाराओं से क्या लेना देना है? उसको मात्र क्या चाहिए? उसको मात्र चाहिए डेवलपमेंट, एजुकेशन अच्छी चाहिए, घर परिवार उसका अच्छा से चले, जॉब उसकी अच्छी चाहिए, और एक जो देश, एक शक्तिशाली देश होना चाहिए, उसको ये चीज़ें चाहिए। उसको नहीं चाहिए 370 क्या होता है, 72 क्या होता है, 74 क्या होता है, उसको क्या लेना देना? ये केवल मात्र उनको चाहिए जिन लोगों को इन धाराओं के अंदर लोगों को काबू करके तो अपनी सत्ताएं चलानी है। जब भी 370 की बात होती है तो अब कौन लोग डिमांड करते हैं? जहां पूर्व मुख्यमंत्री करते हैं, महबूबा जी करते हैं, या फारूक साहब करते हैं, तो ये यही करते हैं, कोई ये हमारा ले लिया, हमारे से छीन लिया। मैं भी जम्मू में रहता हूँ, अब जम्मू के अंदर 370 हट गया, मेरी कौन सी इज्जत किसी ने उतार दी है? मेरा कौन सी चीज़ थी जो मैं शर्ट डालता था, वो मेरी उतार दी है किसी ने? अब मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, शुरुआत में ये एक पहचान होती थी इस रियासत को लेकर, उसके बाद पार्लियामेंट में ये चीज़ें गई, कानून में धराशाही हो गया, बहुत सी चीज़ें लागू होती हैं, बहुत सी चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है, उस समय विरोध था जैसा भी था, उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं, सरकार ने उसी के आधार पर मापदंड बनाया। अभी जम्मू के अंदर UT है, आने वाले दिनों में इलेक्शन होगी, लोगों को इसमें एक्टिव होना चाहिए, चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट जो अपना है परफॉर्मेंस है वो देनी चाहिए नेताओं को। ये चीज़ें तो ठीक है, अब आप मरे हुए जो मुर्दे हैं उनको आप निकाल रहे हैं 370 के लिए, आप कोई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, कभी लावा आप कर रहे हैं, कभी बोलते हैं जी कश्मीरियों ने मारा। देखिए भाई साहब, कश्मीरी जो हैं वो भारत का हिस्सा हैं, भारत के नागरिक हैं। कुछ शरारती लोग होते हैं जो कश्मीरी का चोला पहनकर गलत बातें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, कोई क्रिकेट में हल्ला गुल्ला करता कुछ करता है, लेकिन आम जो कश्मीरी लोग होते हैं उनको क्या लेना देना? उनके लिए घर की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो रही है, उनको जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, डेवलप चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उनको आप 370 370 का ये वाला गुरु मंत्र देते जा रहे हैं,
बेकार है, जिसको उसको क्या लेना था। आम कश्मीरी से आप पूछो यार 370 से तुम्हें क्या क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा होता था। अब इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि पिछले 70 सालों में 370 तो आप ही के पास था ना, आपने कौन से फ्री में लोगों को जॉब दे दिए। आप तो अभी तक कश्मीर के घाटी के अंदर, अभी भी गांव के अंदर चले जाओ, वहाँ पानी के नल तक नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं आपकी, कौन सी आप पहचान दे सके हैं उनको। ये तो कुदरत का करिश्मा है कि वहाँ सेब उगते हैं, वरना तो आप लोगों ने उनको मार दिया था। वो उस भाषण में ये भी कह रहे थे कि अगर हमें अपनी जमात को बचाना है तो हमें एकजुट होना चाहिए। कौन सी जमात है इनकी, ये कौन सी जमात की बात कर रहे हैं? कार्ड खेलना होता है वो अपने धर्म का, और क्या, लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो धर्म का कार्ड खेल दो। हिंदू खतरे में है, कोई मुस्लिम खतरे में, कोई फलाना। जिंदगी तो उन्होंने अच्छे से व्यतीत कर ली, अब क्या परेशानी है इनको, लोगों को जीने दे रहे हैं खुशी से। दीपक एक बात है, मैं सही बताऊं कि इस समय जो भी जमात जो शायद उन्होंने ये कहा हो, मुझे नहीं पता उसका डेफिनेशन आगे उनके माइंड में क्या है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो अल्लाह है, जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ईश्वर है, भगवान है, वाहेगुरु जी है, यीशु है, ये सारी जो शक्तियाँ ना इस समय मुझे तो लग रहा है कि अमित शाह और मोदी के साथ हैं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उन्हीं के साथ है, फिलहाल तो उनके साथ है। दो बार देखो वो चुनावों में जीत रहे हैं, दुनिया में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, सब कानून जितने थे वो धराशाई करने जा रहे हैं, जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो ले भी रहे हैं, लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इसका मतलब फिलहाल तो वो जितने गार्ड हैं उनके साथ हैं, ये तो मान के चलो। तो इसका मतलब आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी। अगर आप विश्वास रखते हैं उस प्रभु पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, क्योंकि सजा तो वही देता ना, उससे बड़े तो हम हैं नहीं। तो अगर हम सारी चीज़ें उसके नाम पर करते हैं, तो आज अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है, या पहले आपने पुण्य किए थे, अगर आपने पहले पुण्य किए थे तो फिर उसका फल मिलना चाहिए, अगर आपने अत्याचार किया तो सजा भी मिल रहा है। तो वो गार्ड जो है, जो करता है, जिसके साथ करता है, वो सही में करता है, तो कुछ चीज़ें गार्ड पर भी छोड़ देनी चाहिए। तो कुछ टाइम दे दो, आप किसी भी चीज़ को लेकर लीजन के साथ जोड़ देते हो कि ये जमात के साथ या कुछ भी होगा इस तरह का, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, सस्ती लोकप्रियता आते हैं। और एक बात, आम पब्लिक जो सुन के जी हजूरी ज़्यादा, उनके जो उनके जहाँ दूसरे लोगों के जहाँ सारी पार्टियों के कार्यकर्ता जी हजूरी करते हैं, मुझे लगता है उनको भी समझ होनी चाहिए कि हमारे जो मुख्य नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वो केवल सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उनको लोगों के घरों में राशन पहुँच रहा है उसकी बात करनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है उसकी बात करनी चाहिए, सब्जियाँ, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों की बात करनी चाहिए। अगर वो लोगों के हितेशी है, लोगों के अधिकारों की बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कभी उन्होंने एजुकेशन पर बात की हो कि एजुकेशन महंगी हो गई है, कभी उन्होंने पेट्रोल पर बात की हो कि इतना महंगा हो गया भाई जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें लाओ। भारत सरकार से आप क्या अपील करेंगे? अरे ऐसे बयान देते हैं, डालो पिंजरों में जी, और क्या करना है आपको। देखो कुछ सख्ती करनी चाहिए, पिछले शुरुआत में आपने की थी, तो जो लोग नहीं मानते हैं, मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा, ये मत सोचा जाए कि स्पेशली मैं इनकी बात करूं, मैं कह रहा हूं जो भी लोग, पिछले दिनों बवाल हुआ था क्रिकेट को लेकर, जो भी लोग थे आपने कार्रवाई की, एक संकेत दिया, उसका डर हुआ, लोगों में पता चला कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई पीछे से होती है। क्योंकि अगर इस समय आपका मुकाबला जो है केवल और केवल अपनी अंदर की बात नहीं है, इस समय आपका मुकाबला पाकिस्तान से है, चीन की फौजें जो है आपके बॉर्डर पर आकर खड़ी हैं, हमारी सेना जो है उसके सामने लड़ने को पूरी तैयार हुई है, पूरा सब कुछ रेडी करके बैठे हैं, पाकिस्तान वहाँ शरारतें कर रहा है, मिलिटेंट जो है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, ऊपर से अंदर से अगर कुछ इस तरह के लोग कर रहे हैं, अभी ये समय नहीं है कि आप उनके उनसे डरो, आप उनमें उलझे रहो, क्योंकि वो आपको उलझाते रहे, पहले भी उलझाते रहते थे, तो वो जी हुजूरी करते हुए केंद्र सरकारें आगे उनके आगे नतमस्तक हो जाती थी। मुझे लगता है अब ऐसा नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर ये जो लीडर हैं, हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, बड़ी पार्टियां चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उन्होंने अच्छे काम किए अपने समय में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, या फिर BJP, इन्होंने अपने समय में कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए हैं, ये बात तो तय है। अब उन्हीं अच्छे कामों के आधार पर इनको ये कहना चाहिए कि हम लोग अब वो जो अच्छे काम किए उनको और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में, देखो विपक्ष का होना ज़रूरी है, एक मजबूत विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष काम क्या करे ये देखना भी ज़रूरी है, क्या वो जो लोग बातें कर रहा है क्या लोगों के साथ कोई सेंटिमेंट ख़राब तो नहीं कर रहे। केवल केवल आप जम्मू कश्मीर में कोई भी बात करते हैं, चाहे आज जम्मू में भी बात करते हैं, बात आप उसी तरह की करते हैं, या तो एक धर्म की बात करते हैं या एक क्षेत्र की बात करते हैं। आप जम्मू को तो आप समझ लेते हो कि ये डोगरे हैं या बेवकूफ़ हैं, इनको तो जब जो करोगे जी हजूरी। मैंने देखा कि जहाँ पर ये चर्चाएँ हो रही थी वहाँ हमारे डोगरे भी कुछ बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हम दुआ करते हैं, वो भी दुआएं कर रहे थे, वो मैंने बोला दुआ करते हुए आप इस तरह भी तो दुआ कर सकते हैं, आप किसी भी तरह दुआ करिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चीज़ें रख लिया कि हमारे नेता जो भी कहेंगे हम कहेंगे। ये केवल NC पर नहीं है, ये भाजपा पर भी है कि उनके भी देखो जो भाजपा इनके लीडर जो कहते हैं वो भी आके करते हैं जी जी ठीक है हम ये करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आपको अपना तर्क उनके सामने रखना होगा। अगर आप किसी क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं तो आपने जो आपका लीडर है, सर्वोच्च लीडर है, उसके सामने आप कहिए कि भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे जम्मू क्षेत्र के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका डिस्कशन करिए, इसके बारे में बात कीजिए। आप हर समय 370 ये हो गया, वो हो गया, 72 हो गया, 73 हो गया, केवल इनकी चर्चा ना करिए। हम लोग गरीबी से मर रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, ये चीज़ें हो रही है, इस चीज़ को लेकर सरकार पर हमला करिए, हम आपके साथ हैं। तो आप इन चीज़ों पर बात नहीं करते, आप मात्र और मात्र केवल वही चीज़ बात करते हैं कि जिससे सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ जाए, केंद्र सरकार को आप यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दो, इस तरह नहीं काम चलेगा। बात करनी होगी तो आम पब्लिक की बात करोगे तो लोग आपकी सुनेंगे, वरना आपको लोगों ने पहले भी आपको जैसे निकाल दिया, आने वाले टाइम में ऐसे भी आपको लोग भूल जाएंगे, आप कहीं इतिहास के पन्नों में होंगे, आपको कोई याद नहीं रखेगा अगर आप पब्लिक की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल अपनी कुर्सी की बात करेंगे। चलिए शुक्रिया, हमसे धन्यवाद दीपक। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर सोचने विचारने की आवश्यकता ज़रूर है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाए, और आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें कि आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।